साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका चैन नेचुरोपैथी एक्यूप्रेशर के एक और अमेजिंग सेशन में। आज हम एक ऐसे बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो काफी तेजी से भारत में फैल रहा है। आपको यह प्रॉब्लम हर दूसरे घर में दिखाई दे जाएगा, जिसका नाम है रेड आई, पिंक आई या फिर आंख आना। इसका साइंटिफिक नेम है कंजक्टिवाइटिस। आज हम बात करेंगे ये कंजक्टिवाइटिस होता क्या है, यह फैलता कैसे है, इसे रोकने का तरीका क्या है, और अगर ये हो जाए तो आप इसे एक्यूप्रेशर के पॉइंट लगा करके, मैग्नेट्स लगा कैसे ठीक कर सकते हैं, आप केवल कुछ बिंदुओं पर कलर लगा के इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। कंजक्टिवाइटिस यानी कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन। और अब ये कंजक्टिवा क्या होती है, कंजक्टिवा एक पतली झिल्ली होती है, पतली मेम्ब्रेन होती है जो हमारे आँख का जो व्हाइट पार्ट है उसके ऊपर होता है। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें पतले पतले रक्त वाहिनियाँ होती हैं, और जब कंजक्टिवाइटिस होता है तब यही रक्त वाहिनियाँ फैल जाती हैं। जब ये फैलती हैं तो हमारा आँख रेड रेड दिखने लगता है। तो आप समझते हैं इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। इसमें आँख में आपको जलन होगा, आँख में दर्द होगा, आँख रेड हो जाएगा, और जब आप सुबह में उठेंगे तो आँख पूरा आपका चिपका हुआ दिखेगा। ये इसके लक्षण हैं। यह तीन प्रकार की होती है, मुख्य रूप से ये तीन प्रकार की होती है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस, और जो तीसरा भाग होता है वो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है। जो ज़्यादातर आजकल फैल रहा है वो है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। केवल ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस फैलता बहुत तेजी से है, स्पेशली स्कूल, ऑफिस, मार्केट या जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पर एक दूसरे के छूने से ये फैल जाता है। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन, जिसको भी कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हुई है, वह अपने आँख को छू करके किसी कपड़े को या फिर किसी पर्सन को टच करता है, और फिर वहाँ से वो जो पर्सन हेल्दी है वो अपने आँख को टच कर लेता है तो यह दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी वजह से यह काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इससे बचने का उपाय क्या है, बचने का मुख्य उपाय है जिसको भी कंजक्टिवाइटिस हुआ है, जिसको भी पिंक आई हुआ है, वह चश्मा लगा करके रहें। चश्मा लगा के रहेंगे तो बार बार अपनी आँख को नहीं छुएंगे जिससे वो आगे की तरफ फैले। और जो लोग स्वस्थ हैं वो अपने हाथ को बार बार धोएं, बार बार अपने हाथ को आँख तक ले जाने से बचें और अपने हाथ को बार बार धोते रहें। जिनको प्रॉब्लम हो गई है उन क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो, उसे कैसे आराम दे सकते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है तो आप पब्लिक प्लेस पर जाने से बचिए, बच्चे हैं तो उनको एक दो दिन के लिए स्कूल ना भेजिए ताकि जिससे यह फैले ना, दूसरे बच्चे में ना फैले। घर पे उनको बार बार अपनी आँख को धुलना है, थोड़ा सा गर्म पानी करना है, बिल्कुल जरा सा, और इसको आँख को बार बार धोना है। टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर या इस तरह की चीज़ें जिस पर आपको लगातार देखना पड़ रहा है उससे बचिए। आँख को बंद रखिए, आँख को रेस्ट दीजिए और उसको खुद से हील होने दीजिए। अब हम इसका एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट समझते हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया आपको कि यह बैक्टीरियल डिजीज होता है, और आँख का एंटीबायोटिक हमारे आँख में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बताया गया है, वो है LY2A। अब LY2A कहाँ पर होता है, तो यह इसका लोकेशन है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ के सामने, हाथ को ऐसे टेढ़ा कर लेंगे और इसके बीच में ये जो दो बोन है इसके बीच में ये पॉइंट आपको स्क्रीन पर ये बड़े में भी दिख रहा होगा, इस पॉइंट पर आपको येलो ब्यूल मैग्नेट लगाना है। आपको प्रॉब्लम चाहे लेफ्ट में ही हो या राइट आई में ही हो, आपको यह दोनों हाथों में लगाना है, चूँकि यह एंटीबैक्टीरियल है, यह एंटीबायोटिक पॉइंट है, तो आपको दोनों हाथों में येलो ब्यूल मैग्नेट लगा करके छोड़ देना है। अगर आपके पास मैग्नेट्स नहीं है तो आप इसी पॉइंट पर ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। ब्लैक कलर इसी साइज का, मैग्नेट के साइज का ही इस प्रकार से ब्लैक कलर नॉर्मल स्केच पेन से आप लगा लेंगे और लगा करके छोड़ देंगे। अगर आपको पेन हो रहा है, दर्द ज़्यादा है आँख में, तो आप इसके साथ में एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, वो है LI4। यह इसका लोकेशन है इंडेक्स फिंगर में पीछे की तरफ। आप इस पॉइंट पर दोनों हाथों में LI4 पे येलो ब्यूल मैग्नेट लगा करके छोड़ देंगे, ये आपके पेन को कम कर देगा।
इसके अलावा और भी सिम्टम है, या फिर अगर ये बार बार आसानी से ठीक नहीं हो पा रहा है या बार बार आपको इन्फेक्ट कर रहा है, तो आप अपना डिटेल हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। यह स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपसे पूरा डिटेल लेंगे, आपसे वीडियो कॉल करेंगे, फिर आपके हाथ पर हम पॉइंट्स मार्क करेंगे और मार्क करके आप लगाएंगे, और लगाने के बाद हम चेक करेंगे, इसमें प्रॉपर फीडबैक भी होता है। और हाँ, ये ट्रीटमेंट पेड ट्रीटमेंट होता है, तो आप इस पर डिटेल भेज करके आप अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। और अगर आप एक्यूप्रेशर सीखना चाहते हैं तो हमारा यह वीडियो आप देख सकते हैं, इसके 6-7 पार्ट मैंने बनाए हुए हैं, बारी बारी से करके एक एक पार्ट आप देखिए और एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को लगाना सीख जाइए। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें, जिससे यह अवेयरनेस लोगों तक पहुँच सके और वो आसानी से अपना ट्रीटमेंट करके खुद से घर बैठे स्वस्थ हो सके। नमस्कार।